हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करेंगे, ठीक है? उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी आपके लिए, क्या उनका एक्शन रहेगा, सारी बातों के बारे में पता लगाएंगे रीडिंग में, ठीक है? रीडिंग के एंड में आपके लिए एडवाइस लूंगी मैं। और गाइस बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में, कैसा रहने वाला है उनका नेक्स्ट 48 आवर्स, कैसी एनर्जी रहेगी आपके लिए, अपने लिए कैसी रहेगी, ठीक है? ये टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आपके मन में आए आपको जानना है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर के कैसे रहेंगे तो आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देख लेते हैं। टावर इन रिवर्स, ओके। स्टार, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। वी हैव जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए ये वाला कार्ड भी आ गया, इसे भी लेते हैं। एम्परर, ओके। एंड वी हैव एट ऑफ कप्स। तो यहां पर आया है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, विर्गो। कोई भी साइन हो सकता है पर ये साइन यहाँ पर स्पेसिफिक है। तो गाइज, ये पार्टनर कैसा फील करेंगे? देखो, बहुत हद तक अप्स एंड डाउन चैलेंजेस इनकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं, ठीक है? अगर ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में तो फाइनली इनके लाइफ से ये बर्डन खत्म हुआ है, ठीक है? ये हार्डशिप खत्म हुई है। स्टार, एक नई उम्मीद जगी है इस पार्टनर को कि अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। अगर इनके लाइफ में इनका वर्क, इनका हेल्थ सब कुछ खराब था तो अब वो दिन आ गए हैं कि अब से इनका, मुझे लगता है कि आज ही आपके पार्टनर की कोई नई जॉब लगी है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर की कोई जॉब लगी है जिसे पाकर ये खुश हैं अपनी लाइफ में, और अगर नहीं है तो होने लगेंगे खुश, ठीक है? जैसे आपको ये इंडिपेंडेंट फील करते हैं तो ये भी अपनी लाइफ में कम सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि लाइफ ने इनको बहुत कुछ सिखाया है और सीखकर अब ये पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस हैं कि इस पार्टनर की जॉब लग जाएगी या फिर लग गई है, ठीक है? जजमेंट का मतलब है कुछ ना कुछ जजमेंट हुआ है इस पार्टनर की लाइफ में, ठीक है? जिसकी वजह से इसको अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन थी या अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको अच्छा फील होने वाला है, बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है? एम्परर की पोजीशन हासिल करने वाले हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जी मैंने यहाँ पर देखी, ठीक है? अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए कैसा फील करेंगे ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स फाइंड मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंज। चेंज तो आएगा इनकी लाइफ में, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे तो अब इनकी लाइफ में इनका गुड लक आ चुका है। जजमेंट हो जाएगी गॉड की बहुत जल्द। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, डेफिनेटली ये पर्सन भी अब सेलिब्रेट करेंगे, जॉय करेंगे आपके साथ, ठीक है? आपके साथ देख रही हूँ मैं इस पर्सन को जॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पावर को सुनेंगे ये पर्सन, और आपको भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे ये पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, वी हैव पावर, पावरफुल चेंज आएगा गाइज आपके कनेक्शन में। कनेक्शन अगर आपका ठीक नहीं था तो मुझे लगता है आप ठीक हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा, देखो ये पर्सन ना आपको बहुत हद तक जानने की, पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग बनाएंगे। डेफिनेटली आपके साथ डेट पर जाने की इच्छा है, अपने आप को बदल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। और देखते हैं ट्रू लव ऑरेकल डेक से क्या आता है आपके लिए, कैसा फील करेंगे ये पर्सन
थर्ड आई चक्रा ओपन. वाओ वी हैव लव. लव ही फील करेंगे ये आपके लिए, बहुत ज्यादा लव, डीप लव फील करेंगे. लाइफ पर्पस. सोलमेट्स, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हैं. लाइफ पर्पस है आपका एक साथ, आप अलग नहीं हो सकते. डेस्टिनी आपको एक करेगी हर बार. डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ऐसा फील कर रहे हैं ये पार्टनर, लेकिन बहुत जल्द नेक्स्ट 48 आवर्स में काफी पावर गेन कर लेंगे और काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये पर्सन. ठीक है, और आपको, आपके लिए भी काफी फीलिंग्स हैं, लव है आपके लिए, सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ. डेटिंग, डेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपको, हो सकता है कि डेट के लिए पूछ ले नेक्स्ट 48 आवर में, डेट के लिए पूछ ले. रेनबो रिवाइवर, खुश रहेंगे ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में. इस पार्टनर की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंज, नो डाउट. चेंज आ रहा है इस पार्टनर की लाइफ में, और देखते हैं क्या आता है. या मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली अपने वर्क में बिजी हैं, उसी में लगे हुए हैं. डोर टू रोमांस, रोमांस आएगा आपकी लाइफ में. मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछेंगे और आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे. कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली सोलमेट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आ गया. आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सोल कनेक्शन है जो कि यूनिवर्स की तरफ से तय होकर आया है. ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप एक दूसरे के, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर. इसीलिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे से आप दोनों. द वर्ल्ड, डेफिनेटली आप दोनों की दुनिया एक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का. फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफियल, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए ऑल द टाइम. इन वे जेलसी फील ना कीजिए. ठीक है, जेलसी फील करोगे तो डेफिनेटली आप अपना आप सही ट्रैक पर नहीं है फिर, अगर जेलसी फील हुई तो. वाओ, गॉडेस ऑफ द मून, डेफिनेटली गॉडेस ऑफ द मून है आपके साथ जो आपको हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं. जर्नी, अपनी जर्नी में मत रुको, आगे बढ़ते रहो. डेफिनेटली ये पार्टनर तो आपको फॉलो करेंगे, आएंगे आपके पास. एंड हीलर ऑफ द एजेस, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां. अगर ये टूटा हुआ दिल अभी है तो सन आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली है. ठीक है, चलिए अब मैं एक बार एक्शन देख लेती हूँ, इस पार्टनर का एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, फिर कुछ मैसेजेस पिक करेंगे. ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, तो मुझे लगता है ये पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे. अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट करेंगे. टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोचेंगे, इसलिए ये पर्सन आपके पास आएंगे. वाओ, सेवन ऑफ कप्स, क्योंकि ये इनको आप में बहुत खूबियां दिखती है, इसीलिए. द फूल, रिकॉन्सिलेशन होगा आप दोनों के बीच में, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है या नोक झोंक चल रही है आप दोनों के बीच में, रिकॉन्सिलेशन के चांस है. द मून, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते नहीं है एक्सप्रेस करना, पर इनको करना पड़ेगा. थ्री ऑफ कप्स अगेन, दिस पर्सन, हम ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ डेट करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बातें शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन, इस पर्सन के मन में है. चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं. यू ब्रिंग पीस टू मी, आप इनकी लाइफ में पीस लेकर आते हैं. यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आप इनको ऐसा फील कराते हैं कि ये वर्थ ही हैं. यू आर माई सोलमेट, देखो सोलमेट भी आ गया, इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है या हो जाएगा कि आप इनके सोलमेट हैं. यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, जैसे आप इन्हें प्यार करते हैं कोई इन्हें उस तरह से प्यार नहीं करता. यू आर फनी, आपको फनी भी मानते हैं ये पर्सन, फनी मानते हैं आपको, प्योर मानते हैं, फनी प्योर.
यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, फोन पर इनको आपकी आवाज बहुत सेक्सी साउंड करती है. यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ये हमेशा अपने दिल की बातें आपसे पूछ आपके साथ शेयर करते हैं और इनको पता है कि आप इनको हमेशा अपना शोल्डर प्रोवाइड करेंगे, आप इनकी हेल्प करेंगे. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं. गाइस डेफिनेटली ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको इतना तो रियलाइज हो जाएगा कि आप इनके सोलमेट हैं और आपके साथ ही ये खुश रह पाएंगे और किसी के साथ नहीं. ठीक है, तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्टक नहीं होना, आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है. ये पर्सन आपको खुद ही फॉलो करेंगे, खुद ही आपके पास आएंगे विद द सिक्स ऑफ वैंड्स. ठीक है, खुद ही आपके पास आएंगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस अपना काम करते रहिए. ठीक है, तो यह है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर.